जो ब्रेन है ना वो आपका नौकर है, आपका खादिम है। जो आप उसको पैगाम देंगे ना वो कहेगा जी जो हुक्म मेरे आका। आप रात को हल्का सा ब्रेन को ये मैसेज दे दें कि यार बात ये है, थका पड़ा हूँ मैं, हड्डियाँ मेरी दुख रही हैं, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, काम है फजूल काम है, आजकल मुल्क के हालात बड़े ख़राब हुए हैं, कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा। वो कहेगा ओके आका। वो रात रात में आपका ऐसा प्लान बनाएगा कि सुबह जब आप उठेंगे ना तो एक तो आपकी आँख ही नहीं खुलेगी, दूसरा जब उठेंगे ना तो आपको ना ऐसी सुस्ती सी होगी और आपका काम करने को दिल नहीं चाहेगा। और आप फर्दर इस बात पर पक्के हो जाएं कि हाँ मैं कह रहा था ना कि यार काम बड़ा ख़राब है। अच्छा रात आप ब्रेन को कह दें कि यार सुबह चाहे जो मर्जी हो, फजर की नमाज पढ़नी है मैंने, उसके बाद मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, फिर ये 6 काम है जो मैंने करने हैं हर सूरत, और ये काम मैंने करने हैं, तो आपका ब्रेन कहेगा जी ओके ओके आका। एग्जैक्ट उस टाइम पर आपको उठाएगा, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन को, उसकी मेटाबॉलिज्म को इस तरह प्लान करेगा कि सुबह आप उठेंगे तो बिल्कुल एक्टिव होंगे और आपका दिल करेगा कि मैं काम करूंगा। तो इसलिए इसी को हम अफर्मेशन भी कहते हैं बाज़ वक़्त। अफर्मेशन अफर्मेशन का होता है कि अपने आप को सही पैगाम दें। जब भी आप अपने आप को गलत, अच्छा इसी तरह लोगों के बारे में भी है ये बात, और ये बात ना बिल्कुल एमए मोटिवेशनल स्पीच या इस तरह की बात नहीं है, ये ऑथेंटिक बात है। आप किसी के बंदे के बारे में अपने आप को ये मैसेज दे दें, ये तो घटिया इंसान है, ये तो बंदा ही बड़ा फजूल है, ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, आप देखिएगा आपके हालात इस किस्म के बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी परसेप्शन इस तरह की बननी शुरू हो जाएगी कि आपकी उस शख्स के साथ, और आप किसी के बारे में एक पॉजिटिव रखें कि यार क्यों नहीं ठीक हो सकता। यानी जो मक्का के काफर थे वो सारे यानी पक्के मुसलमान और साहबी बन गए, और कौन कितने कितने बुरे बुरे लोग सही बन गए, तो ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, मैं इस पर मेहनत करूंगा काम करूंगा तो वैसे होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम अपने बात को कहते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो वो पॉसिबल हो भी तो आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि ये काम मुझे नहीं आता, दैट इज ओके, मगर मैं ये काम कर नहीं सकता। जब आप कहते हैं मैं मुझे ये काम नहीं आता, तो आपका ब्रेन कहता है कि कोई गल नहीं मालिक, हमको बंदोबस्त करते हैं आपको ये काम सिखाने का। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ब्रेन कहता है ओके आका, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं मेक श्योर करूंगा कि आप ये काम कभी आपसे हो भी ना कभी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो ये बस ये मेरा ख्याल है कि इसलिए अपने आप को ना एक गियर्ड अप चीजों के अंदर रखना बहुत जरूरी है।